बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादकाबाद डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान से 20 किलोमीटर के फासले पर कस्बा जमालदीन वाली आबाद है। उज शरीफ के खानवादे गिलानिया के मखदूम शमसुद्दीन गिलानी इब्ने सैयद अब्दुल कादर गिलानी सालिस की औलाद से सैयद मोहम्मद जबान की औलाद यहाँ आबाद है। इस ख़ानदान के कुछ बुजुर्गान सैयद जीवन शाह राबे और मखदूम सैयद शरफुद्दीन जिलानी के मज़ारात यहाँ एक खूबसूरत मकबरे में मौजूद हैं। मखदूम सैयद शरफुद्दीन जिलानी के फर्जंद मखदूमुल मुल्क सैयद गुलाम मीरा शाह अगस्त 1905 को जमालदीन वाली में पैदा हुए। मखदूमुल मुल्क सैयद गुलाम मीरा शाह अपने वालिद मखदूम सैयद शरफुद्दीन जिलानी के इंतकाल के बाद 1923 में दरबार कादरिया आलिया गौसिया जमालदीन वाली के सजादा नशीन मुकर्रर हुए। मखदूमुल मुल्क सैयद गुलाम मीरा शाह ने अपने इलाके की अवामुन्नास के अलावा मुल्क भर के लिए ग्रां कदर समाजी खिदमात सर अंजाम दी, जिनमें से चीदा चीदा प्रोग्रामों का जिक्र इस वीडियो में किया जा रहा है। मखदूमुल मुल्क सैयद गुलाम मीरा शाह ने 1944 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की और कायदे आजम की अपील पर लबैक कहते हुए पार्टी फंड में 3 लाख रुपये जमा करवाए। इसके अलावा सिंध मुस्लिम लीग को भी सालाना 5,000 रुपये फंड देते रहे। मखदूमुल मुल्क सैयद गुलाम मीरा शाह बहावलपुर स्टेट में मुस्लिम लीग के पहले सदर मुकर्रर हुए। पाकिस्तान बनने के बाद नवाब ऑफ बहावलपुर सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी खामस ने मखदूमुल मुल्क सैयद गुलाम मीरा शाह को अपनी स्टेट में रेफ्यूजीज एंड रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर मुकर्रर किया। आपने बतौर मिनिस्टर किसी किस्म की मरात ना ली। मखदूमुल मुल्क सैयद गुलाम मीरा शाह ने 1943 में एक फंड कायम किया जिसके तहत टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने वाले तालिब इल्मों को माली मदद दी जाती थी। आपने कराची में बेसहारा खवातीन की इमदाद के लिए कायम बेगम लियाकत अली खान फंड में भी 35,000 रुपए जमा करवाए। इसके अलावा लियाकत लाइब्रेरी के लिए 1 लाख रुपए फंड भी फराहम किया। मखदूमुल मुल्क सैयद गुलाम मीरा शाह ने मुहाजरीन के बच्चों की तालीम की जरूरियात को महसूस करते हुए नबी बाग मखदूमुल मुल्क हाई स्कूल भी कायम किया। क्याम पाकिस्तान के बाद मुहाजरीन को रियासत बहावलपुर में आबाद करने में हर किस्म की इमदाद दी। आपने ज़िंदगी भर रफाए आमा के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मखदूमुल मुल्क सैयद गुलाम मीरा शाह ने 1941 में जमालदीन वाली में वेटरनरी अस्पताल, 1942 में गर्ल्स हाई स्कूल, 1945 में पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, सिविल अस्पताल, कुशादा बाज़ार, इलेक्ट्रिक सिटी के साथ साथ घरों की तामीर करके माकूल किराए पर गरीब आवाम को फराहम किया। मखदूमुल मुल्क सैयद गुलाम मीरा शाह 4 अगस्त 1986 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। गुलाम मीरा शाह के बेटे मखदूमजादा सैयद हसन महमूद 27 नवंबर 1922 में पैदा हुए। आपने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से तालीम हासिल की और 1952 में रियासत बहावलपुर के नौजवान चीफ मिनिस्टर बने। चीफ मिनिस्टर के तौर पर मखदूमजादा सैयद हसन महमूद ने एजुकेशन, सेहत, स्पोर्ट, कम्युनिकेशन के शोबों में खसूसी दिलचस्पी लेते हुए बहुत से प्रोजेक्ट मुकम्मल किए, जिनमें सादिक पब्लिक स्कूल भी शामिल है। मखदूमजादा सैयद हसन महमूद 1951 में दस्तूर साज इसम्बली के रुकन मुंतखब हुए। मखदूमजादा सैयद हसन महमूद ने बहावलपुर और कराची की तरफ से 1951-52 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली। इसके अलावा नायब सदर BCCP और 1954 में पाकिस्तान टीम के दौरे इंग्लैंड के मौका पर चीफ सेलेक्टर भी रहे। 1954 से 1958 तक मगरबी पंजाब में लोकल गवर्नमेंट और सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दी। मखदूमजादा सैयद हसन महमूद 1971 में मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए। आप मेंबर पार्लियामेंट्री बोर्ड मुस्लिम लीग भी रहे। मखदूमजादा सैयद हसन महमूद 1985 में मेंबर नेशनल असम्बली और मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए और अपनी वफात तक पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर रहे। मखदूमजादा सैयद हसन महमूद अपने वालिद मखदूमुल मुल्क सैयद गुलाम मीरा शाह की वफात के 21 दिन बाद 25 अगस्त 1986 को हरकते कल्ब बंद होने से इस दार फानी से कूच कर गए। मखदूमजादा सैयद हसन महमूद के वली अहद मखदूम सैयद अहमद महमूद 12 सितंबर 1961 को पैदा हुए। मखदूमजादा सैयद हसन महमूद की वफात के बाद मखदूम सैयद अहमद महमूद ने अमली सियासत का आगाज किया और पहली बार 1986 में ज़िला कौंसिल के इलेक्शन में बिला मुकाबला यूसी चेयरमैन मुंतखब हुए और चेयरमैन ज़िला कौंसिल बनने का एजाज़ हासिल हुआ। 1986 में ही रुकन सूबाई असम्बली पंजाब भी मुंतखब हुए। मखदूम सैयद अहमद महमूद
1988 में भी मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए और सूबाई वज़ीर एक्साइज़ का कलमदान संभाला। 1990 से 1993 तक भी मखदूम सैयद अहमद महमूद रुकन कौमी असम्बली रहे। बाद हज़ा 1997 में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और वफाकी वज़ीर भी रहे। 2001 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ के दौरे हकूमत में ज़िला रहीम यार खान के ज़िले नाज़िम मुंतखब हुए और रहीम यार खान में तरक्याती कामों का जाल बिछाया, जिसकी बिना पर रहीम यार खान को पंजाब का मिसाली ज़िला करार दिया गया। 2008 में मखदूम सैयद अहमद महमूद पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए। मखदूम सैयद अहमद महमूद ने 2012 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और गवर्नर पंजाब के ओहदे पर विराजमान हुए। इस वक्त इनके दो फर्जंदान मेंबर कौमी असम्बली हैं, मखदूम सैयद मुस्तफ़ा महमूद NA 178 और मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद NA 180 से मुंतखब हुए हैं। मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद इस वक्त वफाकी वज़ीर इंडस्ट्रीज़ हैं, जबकि मखदूम सैयद अहमद महमूद के भतीजे मखदूम सैयद उस्मान महमूद मेंबर पंजाब असम्बली हैं। मखदूम सैयद अहमद महमूद आसफ़ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के दस्ते रास्त हैं और PDM की हुकूमत में एक मरतबा फिर गवर्नर पंजाब के ओहदे के लिए मुंतखब किए गए हैं। मखदूम सैयद अहमद महमूद का शुमार मुल्क के बेहतरीन वज़ादार सियासतदानों में होता है।